खींड सी कुमार की पली। अच्छा राज की ताजा। तो अब बताओ मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट किसे कहने लग गए थे? तिंगिया दिखा रहा। अरे खुद बनाई होगा? खुद 6 बजे लाके सुबह 6 बजे उठ के मम्मी के लिए स्पेशल ये सब्जी बनाई है। ये होता है प्यार मम्मी के लिए बनाई है। तो मम्मी के लिए, मम्मी के बेटे के लिए भी। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दिया। और आज जो है ये हमारा फोर्थ व्लॉग आ रहा है, फोर्थ व्लॉग हो जाएगा। हमने तीन व्लॉग सक्सेसफुली जैसे तैसे दे दिए हैं। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो साथ में, या तो मम्मी रहती है तो आता है, या ऋषभ की मम्मी रहती है तो आता है। इसके बिना मेरा इसके बिना मेरा जो कॉन्फिडेंस इस लेवल का नहीं आ पाता। बहुत साल पहले कैसी होती थी, बोले बोले की वो घर में लगा के देखते थे 20-25 साल पहले। जैसे बोला घबरा जाऊ सासरे के नाम से, जैसे मेरा बेटा फोन को देख के घबरा जाता है। वीडियो पहले जब ऑडियो कैसेट चलती थी तब एक से मतलब एक कॉमेडी सा ऐसा आता था भोड़ू की, भोड़ू तो भोड़ू बोल रहे हैं, भोड़ू की भोड़ू जैसे मतलब घबरा जाता हूँ। तो उसके हिसाब से मम्मी मतलब वो मम्मी को याद आ गया। कुछ नहीं घबराते मम्मा, ये जो उल्लू बना रहे अपन को देखना कैसे आगे निकलेंगे। नहीं नहीं सही, मेरे हेजिटेशन से ऐसा रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरा एकदम जोश के साथ आने का। ठीक है, मैं किसी तरह से। और हम किस पर्पज से रेडी हुए हैं, वैसे तो आपको सुबह वाले व्लॉग में पता चल गया होगा, बट मैं और मम्मी अभी तक जा रही है नहीं जा रही है तो बताओ। अब जा रही है, लेके जा रही है, निकलते हैं घर से। हम ट्राई करते हैं कि मम्मी आज जो है मतलब मम्मी का आपको घर से निकलेंगे। आपको बता भी देते हैं कि मम्मी जो है उनका भी रूटीन चेकअप होगा हॉस्पिटल में। जैसे मम्मी का मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर जो है बैक पेन का उनका ऑपरेशन हुआ था, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, कुछ पेन रहने लग गया था मम्मी को काफी टाइम तक, तो महीना भर से ऊपर ही हो गया होगा। और मम्मी अभी अच्छा फील कर रही है करीब करीब, तो हम एक बार चेकअप करवा के आ रहे हैं हॉस्पिटल में कि ठीक है सब कुछ ओके है या हमें ही लग रहा है। क्या ध्यान रखने का, आगे से क्या ध्यान रखना है, आगे क्या करना है, भाई ज्यादा टाइम तक बैठना है या फिर ना अब आराम से मम्मी इजीली चल सकते हैं, ये सारी चीजें पूछनी है। कॉमन चीज घूम जा सकते हैं क्या, मम्मी का क्या अभी क्या फिलहाल है ना जोड़ी जाने का मूड हो रहा है, तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो फिर देखना पूरे दिन के अंदर आपको पता लगेगा कि हम जाते हैं, मम्मी को लेके जाते हैं कि नहीं जाते। बाकी पहले अभी आपको आर्मी एरिया दिखाएंगे आज बाहर का। पहले हमारा शेड्यूल अभी ऐसा है कि मैं और पापा जाएंगे आर्मी हॉस्पिटल, वहां से हम तो जाएंगे मैं ना रुकूंगा, जाऊंगा तो जाऊंगा क्योंकि हम रेडी हो गए ना यार, रेडी होने के बाद में रुका नहीं जाता। तू भी बोल, मैं तो जाऊंगा, जमाना कुछ भी ना कहे, मैं तो जाऊंगी, जमाना तू कहेगो कोई कुछ ना कहोगो, मन घर घर की पता है। हाँ, एक भाई साहब ने ना एक कमेंट किया था कि मेरी शादी को क्या 1.5 साल हो गए ना, तो उनके सासू माँ के साथ अच्छा उनका कमेंट भी दिखा देंगे अभी उनका कमेंट दिखा देंगे। उनकी सासू माँ के साथ उनका अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, मतलब हमारे जैसे, तो बोल रहे थे कि आप सासू के पास पास लगने की नजदीकियां बढ़ाओ, सास के पास ऐसे मामा को क्या इच्छा है क्या करना है, एक तरफ से थोड़ा सा अपनी शंका खोल दो मामा की तरफ से, मम्मा की प्यार करो उनसे, थोड़ा प्यार करो, बाज के कोई काम करना है, काम करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थक जाओगे लो उनके सामने, ऐसे मन चढ़ जाओ उनके, मम्मी ऐसे बोल रहे दिल में बस जाओ, दिल में बढ़ जाओ उनके, पति के तो दिल में अपने आप ही होता है, लेकिन सास ससुर के दिल में बढ़ना जरूरी होता है, जरूरी होता है। फिर अपने जैसे मैं बढ़ गई ना, घुस गई, फिर अपना ही राज है, फिर अपन ही खेलेंगे खाएंगे मस्ती करेंगे। बेटा क्या, बेटा तो दे दिया अगली ने, वो तो अपना है ही, और सास ससुर के अंदर घुसना होता है 18 महीना तक, एक बार अंदर घुस जाए फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कौन रोक सकेगा मम्मी को, कहवा को मतलब वो है। तो भाई साहब ना, जैसे आपके सासू माँ शायद काम नहीं कर पाते होंगे, थोड़े बूढ़े भी होंगे या सेल होंगे या वही सास बन के दिखा रहे होंगे मैं सास हूँ मैं, तो ऐसा तो उनसे क्या मीठी मीठी बातें किया करो, उनकी सास के बारे में पूछा करो कुछ, और वो भी बताएंगे उनके, जैसे कोई काम वगैरह कर रहे हो तो सासू माँ के पास बैठ के किया करो। खुला होगा शंका नहीं खुला होगा, इसलिए वो जानते हो जान सास है बहू मैं करेगी काम, ऐसे नहीं थोड़ी सी। ओह माय गॉड, तो भाई साहब 100 बात की एक बात है, आप प्यार करते रहो, पापा को कुकुम का हमारे फोन आ गया, डांटेंगे। देखो मैं बताता हूँ, मैं कब से इधर 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 यूं हो रहा हूँ। जब एक भाई साहब का कमेंट आया था कि ना 1.5 साल हो गए उनके उनकी शादी हुए और अभी तक जो है उनकी सास के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन रही है, और
उनका ऐसा है कि ना उनकी सास के साथ अभी तक उनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे बताओ जीजा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम अच्छा हो जाए। वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ, मतलब उनको ऐसे हुआ कि आपका जैसा रिश्ता मेरे को चाहिए। तो अभी मम्मी का और हमारी सबकी मम्मी का बोलना ये है कि आप थोड़ा और टाइम निकलने दो भाई साहब, थोड़ा सा आप टाइम निकलेगा तो उसके साथ चीज़ें जो चेंजेस होती है, और आप अपनी सास के साथ थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ, जो भी काम करते हो उनके सामने बैठ के करो, उनके साथ हंसी मस्ती करो, उनसे पुरानी बातें पूछो, शेयर करो कि आप पहले आपकी उनकी सास कैसे कैसे क्या करती थी, तो वो चीज़ें अपनी बताएंगी। तो हो सकता है उन बातों में ये बताएं कि मेरी सास पहले जो है बहुत ऐसे थी, मतलब मेरे से हर लेडीज़ का ऐसे होता है कि मेरी सास बहुत मेरे से काम करवाती थी मेरे ऐसे, तो वो बातें अगर उनसे पूछोगे उस तरह की बातें तो डेफिनेटली उनको ऐसे लगेगा उनको भी कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो खुद भी जो है काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातें करो, उनसे शेयर करो, 1.5 साल का टाइम भी बहुत ही कम टाइम ही समझो इसको, तो थोड़े थोड़े धीरे 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 जैसे आपकी बॉन्डिंग होगी। हाँ, लेकिन अगर आप उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहोगे तो ये टाइम और इसी तरह से निकलता रहेगा। तो जितना हो सके आप जो है ज्यादा से ज्यादा तो बस और काम करके मेरी तरह खुश रहो। वैसे थकते सब भी है, आप ही नहीं, सब भी थकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं। पापा डांट रहे हैं, आप जाओ जाओ। तो यहाँ पे पापा जो है वो मम्मी के लिए रेफर कार्ड बनवा रहे हैं ताकि उस हॉस्पिटल में दिखवा सके जहाँ हमारा इलाज चल रहा है मम्मी का, मेट्रो हॉस्पिटल में मम्मी का इलाज चल रहा है। आर्मी हॉस्पिटल में क्या है, सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो ये जो है रेफर कार्ड बनवा के दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करवा देते हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं घर पे, और ये सामने आप जो देख पा रहे हो ये मेरे काकू सा है, उनका फार्म हाउस है, जो बहुत सारे हमारे अगर रिश्तेदार जानकार लोग देख रहे हैं वो जानते भी होंगे, इसको बोलते हैं जोड़ी फार्म हाउस। और ये जो है इसमें क्रिकेट एकेडमी भी एक रन हो रही है, अभी इसको जो है पूरा एक रिसोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जो स्विस टेंट लगा के इसको पूरा होटल रिसोर्ट में इसे कन्वर्ट होगा, जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब चीज़ें बनेगी। तो एक काकू सा ने बोला था कि इसका कुछ ऐसे शूट करके और ये इंटीरियर के लिए भेजना है इनको। एक स्विस टेंट के बारे में बता रहा हूँ, इधर देख नीचे, ये फर्श है, ये 8x16 ये यहाँ तक होता है, ये ओपन है, इसमें किसी भी इंटीरियर की जरूरत नहीं है, इसमें इंटीरियर की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये सारी क्लिप्स जो है काकोसा ने अपने इंटीरियर डिजाइनर को भेजने के लिए मेरे से रिकॉर्ड करवाई थी, तो मुझे लगा क्यों नहीं साथ में इस व्लॉग में भी एडिट कर। इस रिसोर्ट का नाम जो है हमने गुलबाग रखा है, और इसके अंदर स्विमिंग पूल, स्विस टेंट और जकूजी, सोना बाथ सब तरह के फैसिलिटीज होंगी। कहाँ पे नहीं लगेगा, इधर वाले घर में। क्यों इधर वाले घर में आ जाना, 3 दिन ही तो रुकना है। 3 दिन बाद आ जाऊंगी फिर। हाँ, 3 दिन ही तो रुकना है। अब बताओ क्या उतारा दान, स्ट्रेचर ले रहा होगा, डाल लो ऐसे, हाथ डाल लो दोनों, या कुर्सी पर बिठा रहा है, या कुर्सी बिठा, बताओ। पापा को बोल देना उससे उतार रहा है। हमारे पापा ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बीनी नहीं है, मना उतार लिया जो उनको मसाई ना को लगे, मसाई ना को लगे, ठीक उनको ठीक उनको मसाई ना को लगे। अरे यार मम्मी कितने फनी हो आप। मम्मी सास बू की जोड़ी बहुत चौकी बनता ही है ना। हाँ, सबकी ऐसी बना के रहना, सबको ऐसी रखना चाहिए, आत्मा ठंडी, वैसे की माँ बाप की भी, बेटे की भी, जो को जन्म दिया वही बेटे की भी आत्मा सोरी है। और साथ में मम्मी देख रही कहीं है, व्लॉग देखो तेरा है, सुबह वाला व्लॉग देख रही है मम्मी, जो सुबह आया था 10 बजे वाला। आज कौन छोड़ रहा। तो मम्मी अब डॉक्टर साहब ने के बोलोगा? ए बोलूंगी कहीं बैठना चाहिए, के करना चाहिए, कहीं फिरूं, मोती तो बोलती। अच्छा, मोती तो बोलती। और हाँ, डॉक्टर साहब के लिए आप वो साफा और वो लेके जाओ, निकाल याद तो ही तो है। डॉक्टर साहब के लिए साफा और पेंट बुशेट लेर जावाना है। टिको भी काट चुके, टिको फटा करके सगो लग गए, सगो है भैया है, कोटा का ये तो सगा ही हुआ। चलो मैं निकाल के लाती हूँ आपके लिए। सुन रहे हो क्या, मम्मी है ना डॉक्टर साहब को ऐसे बोल रही है कि वो दूंगी साफा और ये क्या बोलते पेंट शर्ट, मतलब वो एप्रिसिएशन के लिए कि उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसे अच्छा काम किया, मम्मी को ऐसे 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 उठा दिया, गच गच गच, अब उठा रहा पा गया लेट जैसे, ये बताओ जो रिजल्ट है ना पता लगेगा अपने को 5-6 महीने कैसे, मतलब सही से मम्मी प्रॉपर चल, अभी हो सकता है सिर्फ क्या हुआ मम्मा ऐसे काम कर रहा हूं ना, बताओ सही है एकदम मस्त, बढ़िया। हां अच्छा वाला थी,
अच्छा वाला है यार मम्मी को है ना, चलो गाइस से ही पूछ लेते हैं, ये अच्छा वाला है क्या? ब्रांड चाहिए मम्मी को भी। सियाराम कंपनी क्या होती है, अच्छी होती है क्या? अच्छी होती है ये मम्मी, साफो भी ले रही हो, दे रहे होते मन की जो ले सावन का माइन करो मजा ठीक साड़ी भी लेती है। मम्मी ऐसे बोल रही है कि मैं ठीक को नहीं तो मैं साड़ी भी ले रहती है मम्मी। पंडित जी है, ओहो मेरे तो मशीन और चल रही है, आ जल्दी सी निवड़ जाना हुआ है तो हमारे ऋषभ के पापा एडिटिंग करने में इनको इतना जोर आता है, इतना जोर आता है, पूछो मत। चार बजे वाला तो ये तो आज वाला तो चलो आ जाएगा मेरी वजह से, पर फिर कब क्या करोगे? बस अब चार बजे वाला छुट्टी रहेगी 3 से 4 दिन की। मम्मी ऋषभ के पापा ऐसे बोल रहे 3 से 4 दिन तक छुट्टी रहेगी 4 बजे वाले व्लॉग की। मम्मी तो अपनी हिम्मत कर लेगी पर आप एडिटिंग कर ही नहीं पाओगे, आप पे मेरे को विश्वास है, है ना? आपको भी विश्वास है ना? मम्मी देखो मम्मी यहाँ लगे यार मन भी है ना, एक बात है अगर 4 बजे व्लॉग आओगे ना 3 बजे प्रीमियर लग जाओगे ना तो जितो है ना यूट्यूब फैमिली ने शॉक्ड लगेगा ना, बितो मन भी लगेगा, सुन रहे होगे? फिर मैं भी एकदम चाव से देखूंगी आपके व्लॉग क्योंकि मैं भी तो दूर ही रहूंगी ना। मम्मी के तेरी सोगनल है पक्को आओगो, तो देखते हैं यार आपको मिलता है व्लॉग नहीं मिलता है आज तो, अब तो मुझे भी भाई मिलना ही चाहिए, मैं भी दूर ही जा रही हूँ क्योंकि सपना के हॉस्पिटल, सपना को आज एडमिट कर लेंगे तो वहां पे जा रही हूँ मैं, ठीक है? क्या एडमिट तो तेरा चौखा है, बर्तन दो। अरे बर्तन के खाना बनाए वो खाना तो खाओ, चलो मैं खाना डालती हूँ यार, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में। बर्तन तो धोके जाऊंगा इसी कोई बात को नहीं, हाथ देख लो सासू माँ देखे हो ना, सासू माँ अच्छी अच्छी है, ये थोड़ा बहुत तो पॉइंट सगड़ा ही मारे। नहीं नहीं मम्मा मैं वैसे बर्तन साफ करके जाती, आप ऐसे झूठ ही अपना वो क्या बोलते हैं वो जबान खराब कर ली। ओके मम्मा ओके, सब कुछ करूंगी मैं सब कुछ, पहले खाना खा लो आप। ये सर्दी की चप्पल नहीं है, मैं कंफर्ट लेवल को आगे लेके चल रही हूँ। और ये भी सिर्फ घर की चप्पल होती है, ये घर की तो मैं वहाँ रूम में ही रहूंगी, मैं कोई मार्केट में नहीं जा रही, मैं कहीं घूमने नहीं जा रही, मैं तो कंफर्ट लेवल अपना साथ में लेके जाऊंगी ना। सर्दी की चप्पलें यार कितने दोनों जना मजाक उड़ा दिया यार, सच बता रही हूँ सब कुछ सही है, प्यारो लग रही है मतलब तो नाइट ड्रेस होती है ये। और मैं अच्छा ठीक है हाँ चलो ठीक है नाइट ड्रेस मान ली आपकी ठीक है हाँ। तो वहाँ पे भी तो है ना हॉस्पिटल ही है, वो रूम ही है, उस रूम में रहेंगे हम 3-4 दिन क्या करेंगे, तो वो नाइट ड्रेस है तो नाइट ड्रेस की तरह मान लो, पर ये नाइट ड्रेस नहीं है, मैं अभी भी गई थी बोलूंगी बता देंगे कमेंट आएंगे तो आप बात कर लेंगे ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अच्छे लगे हो तो कमेंट करके बताना हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और इनको फिर से बताना कि ये नाइट ड्रेस है या मतलब ये डेली कुछ नहीं है, ये नाइट ड्रेस फिर से बताना आप, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है अपनी पत्नी के साथ माँ के सामने, और तो क्या बोलूं क्या अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, ये ऐसे बोला नाइट ड्रेस है नाइट ड्रेस है गाइस। और हाँ आज तो 4 बजे इनका व्लॉग मिल गया, अब मैं जा रही हूँ सपना के साथ कम से कम 4-5 दिन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 बजे दे पाएंगे, अब मेरा कॉल आ रहा है, हम रोज देंगे कोशिश करेंगे, बाय बाय।